नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 17 किलोमीटर दूर तिरबा के फुटबॉल मैदान से मैं सुनने वाला आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल ऑल इंडिया रनिंग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज दूसरा क्वार्टर फाइनल यहां पर खेला जाना है। पीली रंग की जैसी में है, मैं आपको बता दूँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम है, जबकि मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता की टीम यहाँ पर काली रंग की जर्सी में है, जबकि आज के मुख्य रेफरी हैं मोहम्मद फरीद खान, असिस्टेंट रेफरी नंबर 1 तबरेज आलम, असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 मोहम्मद माजिद, फोर्थ ऑफिशियल सुनील टप्पो और मैच कमिश्नर ओपी ठाकुर। ये काली रंग की जर्सी में जो आप देख रहे हैं खिलाड़ी, ये हैं मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता की टीम। शुभकामनाएं देने के लिए और आज पीली रंग की जर्सी में ये है अतिथि के रूप में ईस्ट सेंट्रल रेलवे राजेश समस्तीपुर की टीम। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आगमन हो रहा है, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, जुहार है। अब्दुल रजाक अंसारी मेमोरियल स्पोर्ट्स फाउंडेशन इरबा रांची की ओर से आयोजित अब्दुल रजाक अंसारी मेमोरियल ऑल इंडिया रनिंग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 ग्रुप बी का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। श्री राजेश ठाकुर जी, अब्दुल रजाक अंसारी मेमोरियल ऑल इंडिया रनिंग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 दसवां दिन है और आज के हमारे मुख्य अतिथि जिनका सहयोग साथ हमेशा से ही मिलता है, राजेश ठाकुर इस वक्त मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए, श्री राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष, और आप देख सकते हैं राजेश ठाकुर अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी इस वक्त यहाँ पर उनके अगवानी करते हुए राजेश ठाकुर इस वक्त मैदान के अंदर जाते हुए और इस वक्त खिलाड़ियों से प्रवेश यहाँ पे परिचय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता के खिलाड़ी से जो इस वक्त जा रहे हैं वहाँ पर परिचय प्राप्त करने के लिए, जो कि प्रवक्ता है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राजेश ठाकुर इस वक्त खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए। डॉक्टर कुमार राजा अध्यक्ष रांची महानगर कांग्रेस कमेटी से खिलाड़ी के लिए बढ़ाया था गेंद बनते ही टच रहे तो दूसरा क्वार्टर फाइनल के लिए यहाँ पे अब्दुल रज्जाक अंसारी रनिंग गोल्ड कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता वेस्ट बंगाल और समस्तीपुर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के बीच स्टार्ट शुरू और कोलकाता के खेल में खेलती हुई समस्तीपुर की टीम अपने क्षेत्र में सकाया अच्छा बेहतरीन सेटिंग पास से खेलने की कोशिश कर रही इस वक्त कलकत्ता की टीम अपने क्षेत्र में थ्रो ही मिलता हुआ दाएं फ्लैंक इस वक्त थ्रोइंग कलकत्ता की मॉडर्न एथलेटिक कलकत्ता फ्लैंक में बढ़िया पास बनाने की कोशिश यहाँ पर और ये पहला मौका यहाँ पे वेस्ट बंगाल टीम के लिए गोली देखो पर फ्री किक और हिट कर गए अपने क्षेत्र में इस वक्त कलकत्ता के खिलाड़ी। गेंद चला ये रोहित तिग्गा के पास बॉल समस्तीपुर पीछे सरका दिया वहाँ पर नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार ने पीछे सर और पीछे सरकाया अपने साथी खिलाड़ी के डिफेंस के खिलाड़ी के लिए, गेंद एक बार फिर नीतीश कुमार के पास समस्तीपुर राइट फ्लैंक में
बढ़िया पास बढ़ाने की कोशिश पवन नायक के लिए, बाबा के लिए। और गेंद इस बार पवन नायक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं पवन नायक, बहुत तेज तर्रार राइट आउट के खिलाड़ी पवन नायक। और उनसे जूझ रहे हैं वहाँ पर डिफेंस के खिलाड़ी, किक किया माइनस करने की कोशिश, गेंद गई बाहर यहाँ पर गोल लाइन का, कॉर्नर किक मिल गया इस वक्त ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर को। पहला कॉर्नर किक लिया गया और लेकिन गेंद सीधा गोलकीपर अंकित रवि कांत के हाथों में जो कप्तान हैं, बॉल को धीरे से फेंका है। अच्छा, नीतीश कुमार ने लंबी किक लगाई है वहां पर बागम के लिए। धीरे धीरे दाएं फ्लैंक में इस वक्त तन्मय दास के लिए बॉल को बढ़ाया जाता है, कलकत्ता के खिलाड़ी तन्मय दास। गेंद उठती उठती हुई पीछे सरकाने की कोशिश, रोहित टीका इस वक्त बॉल के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा पास, बेहतरीन टैकलमेंट वहां पे कलकत्ता के खिलाड़ी का, ऊंची किक से वहां भेजने की कोशिश, गेंद भेज दी गई इस वक्त गोलकीपर रविकांत के लिए। रविकांत ने बॉल को सरका दिया बिमल के लिए, बिमल राइट फ्लैंक में बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश लक्ष्मीकांत के लिए, वहां बागम के लिए बढ़ाई थी लड़के, इंक्रीमेंट हुआ, फ्री किक मिल गया कोलकाता को अपने क्षेत्र से, किक मिलता हुआ कोलकाता मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता को अपने क्षेत्र में बाई फ्लैंक से। ऊंची उठती हुई गेंद बॉल को रिसीव करने की कोशिश डेविड के द्वारा, डेविड जो फॉरनर खिलाड़ी हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए बजा था, तन्मय दास के लिए भेजने की कोशिश की, गोल के बॉल के अंदर काफ़ी गति, गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का, थ्रोइंग मिला है इस वक्त समस्तीपुर को अपने क्षेत्र से। थ्रोइंग मध्य रेखा के पास और यहां पर खेल के निर्णायक मोहम्मद फरीद खान ने खेल को रोका, एक खिलाड़ी यहां पर चोटी लेके गए हैं मैदान के अंदर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर के खिलाड़ी एक चोटी लेके मैदान के अंदर गिरे हुए हैं। अब्दुल रजाक अंसारी रनिंग गोल्ड कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल यहां पे चल रहा है इस वक्त, मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है। काली रंग की जर्सी में है ये मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता, जबकि पीली रंग की जर्सी में आप देख रहे हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम। मध्य रेखा के पास अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त समस्तीपुर के खिलाड़ी, राइट फ्लैंक में लंबा पास इस बार बागम के लिए, बहुत ही बागम को मिलता हुआ कॉल और यहां पे खतरा बन सकता है यहां कोलकाता के लिए। अगर बागम को इस तरह से बॉल मिल जाएगी गोल एरिया के अंदर तो फिर खतरा उत्पन्न होगा कोलकाता के लिए, क्योंकि बागम बहुत ही खतरनाक फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त समस्तीपुर से। निगाहें रखनी पड़ेगी बागम के ऊपर, लेफ्ट फ्लैंक में इस वक्त बढ़ता हुआ कलेक्ट करने की कोशिश, बॉल को पीछे खेल दिया छोटू के लिए, छोटू ने रेड फ्लैंक में बॉल को भेजा है विमल के लिए, लेकिन अच्छा हेडिंग डेविड हसन, एस हसन के पास बॉल, विदेशी खिलाड़ी और यहाँ पे एस हसन गिर पड़े, चोट लगी है उन्हें, लंबे कद के फॉरनर खिलाड़ी। और यहाँ पर खेल के निर्णायक मोहम्मद फरीद खान ने पीला कार्ड दिखलाया है, और ये थोड़ा सा गलत तरीका, क्योंकि इस महान खेल को खेलेंगे भी समस्तीपुर बिहार की टीम, और बारह गोलकीपर को पीट नहीं दिया था लेकिन किस्मत का लंबी किक, एक मौका यहाँ पर कोलकाता के लिए, बहुत बेहतरीन मौका और सुंदर हेडिंग बाहर किया, और यहाँ पर फरीद खान ने चेतावनी दिया, ओरल चेतावनी दिया मोहम्मद को, जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता से खेल रहे हैं। इस मैच के रेफरी विमल के पास डायगनल पास, विमल समस्तीपुर एक्सफाइ में लंबा पास, इस वक्त बागम बॉल के पीछे भाग रहे हैं, इस वक्त बहुत तेजी के साथ कलेक्ट करने की कोशिश, गेंद गई बाहर टच लाइन का, थ्रोइंग मिला ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर को। जबरदस्त खेल चलता हुआ दो टीमों के बीच, संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां पर मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता और ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर के बीच।
अब्दुल रज्जा इंडिया रनिंग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का ये आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस दर्शकों की बहुत संख्या में आज दर्शक इस मैच को देखने के लिए आए हैं और तीन हॉकी की कोलकाता की नामी टीम इस वक्त मैदान पर है, दूसरी तरफ पीली रंग की जैसी मैच समस्तीपुर की टीम। सफलता मिली है कोलकाता के खिलाड़ी को यहाँ पर। अच्छा पास डाइव फ्लैंग में, लेकिन वहां पर बेहतरीन किक, लेकिन दूर मार गए, गोल बार के ऊपर से निकल गई गेंद, लेकिन बहुत बेहतरीन किक लगाया था रेफ लाइन से, अगर थोड़ी सी गेंद नीचे आती तो निश्चित रूप से ये गोल पोस्ट के अंदर गेंद जाती, लेकिन क्या क्लासिकल किक लगाया गया था। अंकित बॉल इस वक्त छोटू के पास, छोटू ने पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद गई बाहर, टच लाइन का थ्रो मिलेगा कोलकाता को, मोमेंटन एथलेटिक क्लब कोलकाता। अच्छा पास इस वक्त मोहम्मद के लिए, मोहम्मद ने पीछे सरका दिया राकेश खान के लिए, एक बार फिर मोहम्मद के पास बॉल रेड फ्लैग में, बेहतरीन पास डेविड के लिए, फॉरेन खिलाड़ी डेविड के पास बॉल इस वक्त, लेट फ्लैग में बॉल को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पे तैयार थे विमल ने बॉल को क्लियर किया, और रोहित इस वक्त बॉल को क्रिएट करने की कोशिश राइट फ्लैग में, बढ़ती ऊंची उठती हुई पास बढ़ाने की कोशिश, तर काफी गति, गेंद गई बाहर, टच लाइन का थ्रोइंग मिलेगा। थ्रोइंग मिलता हुआ इस वक्त जैसे नंबर सिक्स समस्तीपुर की तरफ से थ्रो ले रहे हैं रोहित कपास, लेकिन अच्छा टैकलमेंट वहां पे मोहम्मद एथलेटिक क्लब के, और बॉल को लेफ्ट फ्लैग में बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, तमंग के लिए बॉल को बढ़ाया था कोलकाता को, तमंग का थ्रो डेविड के लिए, डेविड बॉल को बीच सरका दिया है और शांत तमंग के लिए, गोल एरिया के ऊपर खेल चलता हुआ इस बात समस्तीपुर का, लेकिन गेंद रोहित ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए भेज दिया है, गेंद एक बार फिर चलाई है रोहन कच्छप के लिए, रोहन साथी खिलाड़ी की तलाश है, खिलाड़ी को वापस ड्रिप करते हुए लेफ्ट फ्लैंग में इस बार डायगनल पास बढ़ा दिया है, बेहतरीन पास मंजीत करवाली के लिए, मंजीत करवाली मिडफील्ड के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, दीवार की तरह है मंजीत करवाली, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी है मंजीत करवाली, गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का थ्रोइंग मिला समस्तीपुर को, छोटू के पास बॉल लेफ्ट फ्लैंग में बेहतरीन पास वहां पे बाघम के लिए बढ़ाने की कोशिश, लक्ष्मीकांत के लिए लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया, गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का, गोल किक लिया जाएगा यहां पर मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ से, स्थिति अभी भी 0-0, मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई इस वक्त, मैदान के चारों तरफ रंग बिरंग पताके आकाश में लहराते हुए सुंदर विहंगम दृश्य इस मैदान का, काफी संख्या में दर्शक आज इस मैच को देखने के यहाँ पे आए हुए हैं। दाएं फ्लैंक से मंजीत करमाली लंबे कद के खिलाड़ी, अच्छा नपा थोड़ा पास सटीक पास रोहित के लिए, रोहन कच्छप गेंद को भेज दिया रोहित के लिए, रोहित ने बॉल को आया पांडा के लिए बाबा के लिए, और यहाँ पर डिफेंडर तैयार बाहर किया बॉल को मध्य रेखा के पास खिलाने की कोशिश, विमल ने बॉल को बढ़ा दिया रोहित के लिए, रोहित पवन नायक के लिए बढ़ाया उस बाबा के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंडर तैयार, और यहां पर एक खिलाड़ी यहां पर इस वक्त गिरा हुआ है मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता का, चोटिल होके गिरे हुए और एश हासन इस वक्त यहां पर मैदान के अंदर गिरे हुए, चोटिल हो गए थे बहुत पहले ही, और चोटिल होने के बाद भी वो खेल रहे थे, जाया जा रहा है यहाँ पर जैक्सन नंबर 19 को चोट लगी है, इस हासन को चोट लगी, मैदान से बाहर गए,
और अब 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ेगा मोहम्मदन एथलेटिक कोलकाता को। अभी तक जो खेल हुआ उसमें पर्रा कहा जाए तो भारी रहा, यहाँ पर सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर का पर्रा भारी रहा। पोजीशन ऑफ बॉल जो है अपने अधिक समय तक ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर के खिलाड़ी अपने पास रख रहे हैं। तीन हमला बाबा के यहाँ पर रोहित के लिए, हमको भी देखना चाहिए नहीं यार, थोड़ा पीछे थोड़ा सा, थोड़ा पीछे, हाँ ठीक 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 अच्छा पास। अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त मॉडर्न एथलेटिक क्लब कोलकाता की टीम, साथी खिलाड़ी की तलाश, डिफेंडर के पास बॉल, इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ रहे, मध्यरेखा को क्रॉस करने की कोशिश थी, लेफ्ट आउट को पास देने की कोशिश, इस वक्त तवांग बॉल के पीछे भाग रहे हैं लेकिन तवांग बॉल को नहीं पकड़ पाए। मंजीत करवाली ने बॉल को कलेक्ट किया, बॉल को भेज दिया, इस वक्त बिमल, बिमल ने एक बार फिर मंजीत करवाली को बॉल भेजा, रेड फ्लैंग में दाएं तरफ पास बढ़ाने की कोशिश, थ्री लेने के लिए वहां पे कलड़ा की तरफ से तवांग थ्रो, अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, रोहन के पास बॉल, रोहन का चप, गेंद उनसे निकली, गेंद चली आई वहां पर नीतीश कुमार के लिए, लंबे कट के खिलाड़ी, डिफेंडर के खिलाड़ी ने बॉल को पीछे अपने बाएं तरफ सरका दिया, अच्छा पास, गेंद एक बार फिर नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार ने पीछे भेज दिया मंजीत करमाली के लिए, मंजीत करमाली लंबे कट के खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन डिफेंडर है, बॉल को सरका दिया विमल के लिए, विमल ने बॉल को फिर भेजा रोहन के लिए, रोहन साथी खिलाड़ी की तलाश, मध्यरेखा के पास, लेफ्ट आउट में एक बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश, इस वक्त यहाँ पर शंकर उड़ाव के लिए, शंकर लेकिन शंकर बॉल को करेक्ट नहीं कर पाई, गेंद गई बाहर, टच लाएगा, थ्रोइंग मिलेगा यहाँ पर समस्तीपुर को, बेहतरीन यहाँ पर कौशिक शाह का थ्रो, डेविड के पास बॉल, विदेशी खिलाड़ी डेविड, छाती खिलाड़ी को बहाया है, धीरे धीरे घुसना चाह रहे हैं क्षेत्र में, तलमय दास के लिए बॉल को बढ़ाया, एक बार फिर गेंद तलमय दास के पास लेकिन गेंद गई बाहर, इस बार टच लाइन का तैयारी में मोहम्मदन की तरफ से, डेविड इस वक्त पीछे सरका दिया, और गेंद राकेश खान निकालने की कोशिश लेकिन राकेश खान और वहां पे रोहन कच्छप गिर पड़े मैदान के अंदर, दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी समस्तीपुर का, एक खिलाड़ी कोलकाता का, और इंप्लीमेंट हुआ फ्री किक, यहाँ खेल के निर्णायक फरीद खान ने अवार्ड कर दिया है इस मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता को, जबरदस्त खेल चलता हुआ, मध्यांतर के पहले का खेल चलता हुआ, इस वक्त तीन खिलाड़ियों की मजबूत दीवार इस वक्त समस्तीपुर की तरफ से लगाई गई है, ये जो फ्री किक मिला है उसको रोकने के लिए, कलगड़ा की तरफ से इस वक्त फ्री किक आता हुआ, एक मौका यहाँ पर, लेकिन इस वहाँ पे तैयार थे डिफेंडर, उन्होंने बॉल को बाहर किया, पवन के पास बॉल, पवन नायक उस बाबा के पास बॉल, बाबा बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं ये रांची के, अच्छा पास रोहन के लिए, गेंद एक बार बाहर दिया विमल के लिए, विमल ने पीछे से लगाया मंजीत करमाली के लिए, मध्यरेखा के पास, गेंद इस वक्त कोलकाता के खिलाड़ी के पास, मध्यरेखा के पास, अच्छा पास तवांग के लिए, तवांग के पास बॉल, तवांग एक सीधा पास, बॉल को बढ़ाते हुए कौशिक शाह के लिए, और यहाँ गेंद हाथ से टकराई, विमल के हाथ से टकराई, कौशिक शाह लेके आगे बढ़ने के लिए चाह रहे थे, और ये फ्री किक मिल गया यहाँ पर क्षेत्र में, समस्तीपुर के क्षेत्र में मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता को, मोहम्मद इस वक्त फ्री किक लेने की तैयारी में, थ्रोइंग मिलेगा यहां पर समस्तीपुर को, विमल का थ्रोइंग, तवांग का थ्रो, डेविड के पास निकालने की कोशिश लेकिन वहां मंजीत करमाली बिल्कुल ही माला पहाड़ की तरह डिग, मंजीत करमाली को पास करना इतना आसान नहीं होगा, विमल
का थ्रो मिलता उछलता हुआ। पीछे सरका दिया यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने एक डायगनल पास बनाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेफ्ट आउट को बढ़ाने की कोशिश, सुंदर हेडिंग मध्य रेखा के पास, गेंद चले इस पर छोड़ दिया वहाँ पर अंकित खुजूर के लिए बॉल। गलत तरीके से रोका गया खेल के निर्णायक मोहम्मद फरीद खान ने यहाँ पे इंफेमेंट लिया, फ्री किक अवार्ड किया है समस्तीपुर को। मंजीत करवाली इस वक्त तैयार हो रहे फ्री किक लेने के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी, मजबूत डिफेंडर मंजीत करवाली, लंबी किक क्षेत्र में बाएं फ्लैंक में, वहां पर रोहित का बॉल करने की कोशिश, अगर रोहित सीधा वहां पर बॉल लेकिन अंकित कुलूर के हाथों में बॉल, और गेंद सीधा गई अंकित कुलूर के पास, लंबी किक मध्य रेखा के पास से डाइव फ्लैंक से इस बार एडवांस होते हैं वहां पे मोमेंट एथलेटिक के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को डिप करने की कोशिश, सुंदर पास डेविड के लिए, डेविड में फिर वहां पे बढ़ाया अपने साथ के लिए सतीश के लिए, गेंद गई बाहर टच लाइन का। बहुत ही अच्छा टैकल एक बार फिर अग्रसर होती हुई इस वक्त डेविड के पास बॉल, डेविड बैंक फ्लैंग में पास बढ़ाने की कोशिश लेकिन गेंद चली आई रोहन कच्चा के पास, नीतीश कुमार ने बॉल को बाहर भेजा और अब गेंद चली इस वक्त बाघम के पास, बाघम रोहित को बढ़ाने के लिए चाह रहे इस वक्त और इंक्रीमेंट हुआ, रोहित को कुछ इस वक्त चोट लगी, रोहित टिक्का को इस वक्त कुछ चोट लग गई है, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है ये समस्तीपुर के, अगर रोहित टिक्का को चोट नुकसान होता है तो ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पर इस सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर को। बाएं फ्लैंक में इस वक्त अच्छा पास बॉल को देखिए आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं अंकित, टोपो गेंद सीधा गई गोलकीपर रविकांत के हाथों में, बॉल रोल कर दिया बॉल को यहाँ पर छोटू के लिए, छोटू साथी खिलाड़ी के तलाश, बॉल को भेज दिया रोहन कच्छप के लिए, रोहन कच्छप बढ़ाना चाहते हैं वहाँ अच्छा पास ले डिफेंडर का, पवन नायक से बॉल उठ बाबा से गेंद निकली वहाँ पर गेंद चले आई है मोहम्मद के पास, अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश मध्य रेखा के पास, खेल चलता हुआ छोटा सा पास समांतर पास बढ़ाया वहाँ पर मोहम्मद एथलीट के खिलाड़ी ने, नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हुए थे उन्होंने बॉल को क्लियर कर दिया, गलत पास दे बैठे, गेंद चली आई है मोहम्मद के पास, लेफ्ट आउट में बॉल को तमांग के लिए, बॉल को बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं, सुंदर पास तमांग के लिए लेकिन डिफेंडर वहां पे तय, सीधा पास रोहन के लिए, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया बाबा के लिए, बाबा ने एक बार फिर रोहन के लिए बढ़ाया बॉल, पीछे छोड़ दिया नीतीश कुमार के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंडर हैं, नीतीश ने बॉल को भेज दिया यहाँ पे मंजीत करमाली के लिए, मंजीत करमाली विमल को धीरे धीरे बढ़ना चाह रही है समस्तीपुर की एक टीम, यहाँ पर मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए साथी खिलाड़ी की तलाश, सुंदर पास यहाँ पे रोहित के लिए, रोहित रोहित निकलते हुए और ये पवन नायक के लिए बॉल, लंबी किक सुंदर हेडिंग खतरे के क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश, मजबूत डिफेंडर है मोहम्मदन एथलेटिक कोलकाता का, भेद नहीं पा रही है स्ट्राइकर जो है वो समस्तीपुर की, वो भेद नहीं पा रही है उस रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पा रही है, स्थिति अभी भी शून्य शून्य, किसी भी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। विमल का तो समस्तीपुर की तरफ से बाघम ने बॉल को भेजा है वहां पर रोहन कच्छप के लिए, रोहन कच्छप ने नीतीश कुमार के लिए बॉल को ठेल दिया है अपने क्षेत्र में, नीतीश कुमार ने बॉल को एक बार फिर रोहन कच्छप के लिए भेजा, रोहन अच्छा पास मिला जुला पास विमल के लिए, विमल ने बॉल को भेज दिया है पवन नायक के लिए, पवन नायक राइट आउट के खिलाड़ी, अच्छा पास समांतर पास बेहतरीन पास छोटू के बढ़ाया, छोटू एक बार फिर पवन नायक के बढ़ाने की कोशिश की लेकिन
गलत निशाना, अब मद्रेखा से दाए फ्लैंक से काउंटर अटैक मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता के द्वारा। तनुमय दास इस वक्त बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तनुमय दास के पास बॉल, बॉल को भेज दिया राकेश खान के लिए, राकेश ने पीछे भेजा वहां पर बॉल को मोहम्मद के लिए। मोहम्मद बॉल को भेजने के चाहते थे कौशिक शाह के लिए, लेकिन डिफेंडर ने बॉल को क्लियर कर दिया मद्रेखा के पास। कोलकाता के खिलाड़ी इस वक्त बॉल को नियंत्रण किए हुए, मोहम्मद के पास बॉल पीछे सरका दिया डिफेंडर खिलाड़ी के पास, और डिफेंडर ने बॉल को फिर भेज दिया अंकित कुजूर गोलकीपर के लिए। गोलकीपर ने राइट आउट बॉल को किक लगाई। किसी भी खिलाड़ी को कोई इस वक्त सफलता नहीं मिल पाई है, कोई श्रेय प्राप्त नहीं कर पाए। रामबीर दूसरे के यहाँ पर बेहतरीन किक लगाने की कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पे, लंबी किक, अच्छा किक। ज्यादा पोजीशन बॉल रख रही है बिहार की टीम, बहुत दूर से लगाया किक। वहां पे विमल के पास बॉल, गलत पास दे बैठे यहाँ पे मोहम्मद सुनी के खिलाड़ी। बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश अंकित टप्पो, विमल रोहन कच्छप के लिए बॉल को बढ़ाया, रोहन कच्छप ने और पीछे सरकाया वहां पर नीतीश कुमार के लिए, डिफेंडर जो है नीतीश कुमार। लंबी किक मद्रेखा के पास, पवन नायक के पास और बाबा के पास बॉल, राइट आउट तेज तर्रार रेट आउट आउट बॉल लेके आगे बढ़ रहे इस वक्त। बॉल को बढ़ाने की कोशिश लेकिन वहां पर पवन के द्वारा ये पास शंकर उड़ा वहां पे ऑफ साइड पकड़े गए, शंकर थोड़े से आगे निकले और ये ऑफ साइड, ऑफसाइड का किक यहाँ पे शंकर घुसाए थे क्षेत्र में। बेहतरीन पास, अच्छा अपने क्षेत्र में खेलती हुई कोलकाता की टीम, साथी खिलाड़ी की तलाश वहां पर तमांग के लिए बॉल, तमांग ने पीछे से रखा लेफ्ट आउट के खिलाड़ी के लिए। धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, कॉम्बिनेशन बना के खेलने की कोशिश कर रही है यहाँ कोलकाता की टीम। और यहाँ पर डेविड के ऊपर से गेंद निकली, नीतीश कुमार ने बॉल को क्लियर किया। इस वक्त अग्रसर होते हुए पर बाघम, और बाघम का लेफ्ट आउट का लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद गई ऊपर गोल बार के ऊपर, दिया के ऊपर बाघम को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से खतरा बनेगा यहां पर कोलकाता के लिए। लंबी किक मध्य रेखा के पास, तालमेल से खेलने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल समीकरण को गड़बड़ा दे रही है यहाँ पर समस्तीपुर की टीम। और जिस तरह से रोहित को गलत तरीके से रोका गया, खेल के नायक फरीद खान ने वहाँ पे ओरल चेतावनी दी और एक फ्री किक अवार्ड किया इस वक्त समस्तीपुर को। सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर को एक फ्री किक मिलता हुआ, रोहन इस वक्त तैयार हो रहे हैं। लंबी किक मध्यरेखा के पास, बागम का हेड वहां पे, लेकिन सीधा गई वहां पर गोलकीपर अंकित कुजूर के हाथों में। और अब काउंटर अटैक बाय फ्लैंक से, तमांग के लिए बॉल को बढ़ाया मोहम्मद नायक एथलेटिक क्लब। तमांग बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी, विमल निकल रहे बॉल के नियंत्रण करने की कोशिश, गेंद चली आई इस वक्त रोहन कच्छप के पास समांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए छोटू। और अब गेंद चली आई है अंकित टोप्पो के पास, मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता के खिलाड़ी। लेफ्ट फुट का इस्तेमाल, बॉल को बेहतरीन पकड़ा दिया कौशिक शाह के लिए, लेकिन वहां पर अच्छा डिफेंडर का प्रयास बाहर के खतरे के क्षेत्र से। गेंद एक बार पवन नायक के लिए, पवन नायक ने डायगोनल पकड़ा दिया विमल के लिए, विमल एक बार फिर पवन नायक के लिए बॉल को बढ़ाया। धीरे धीरे साथी खिलाड़ी की तलाश, और रोहन ने बढ़ा दिया वहां पर मंजीत करमाली के पास। गेंद एक बार फिर रोहन कच्छप के पास, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल बाघम के लिए बॉल, बॉल का अच्छा यहां पे खत्म हो सकता है। और ये गोल, पहला गोल डाल दिया है, ये पहला गोल। और यहां पर रोहित टिक्का ने बॉल को डाला, और यहां पर रोहित टिक्का ने बॉल
गोल को किया बेहतरीन समस्तीपुर का गोल रोहित टिक्का ने खूबसूरत गोल किया। दुनिया का मैं बता दूं झारखंड का चकमा देते हुए सीधा बॉल को नेट किया और इस तरह से समस्तीपुर की टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे हो गई है। शंकर उरांव के पास बॉल पीछे सरका दिया बॉल को छोटू को लिए छोटू ने एक बार फिर शंकर उरांव के लिए बढ़ाया था। पवन नायक क्या है कि यहाँ पे पकड़े गए ऑफसाइड पकड़े गए और लंबी किक मंजीत करवाली का सुंदर हेडिंग लंबा हेडिंग और अब यहाँ पर बॉल लेके आए कौशिक यहाँ पर कौशिक तवांग अच्छा पास बढ़ाया राकेश खान के लिए गेंद डेविड के पास बॉल डेविड देंगे तवांग के पास कौशिक शाह और यहाँ मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए कलकत्ता की तरफ से एक परिवर्तन डेविड के पास बॉल लंबे कटे खिलाड़ी डेविड फॉरेनर खिलाड़ी पीछे सर गए अपने क्षेत्र में खेल रहे इस वक्त कलकत्ता की टीम एक खिलाड़ी को डील करते हुए अच्छा पास मोहम्मद के लिए मोहम्मद रेड फ्लैग में एक अच्छा डाइनर पास बढ़ाया डेविड को पास बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट वहाँ पे समस्तीपुर के खिलाड़ी का गेंद छोटू के पास बॉल गेंद गई बाहर टच लाइन का स्थिति अभी भी शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। यहाँ पर मोहम्मदन यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। मध्यांतर के पहले का खेल चल रहा है तवांग के लिए बॉल मोहम्मदन कौशिक शाह के पास कौशिक शाह ने तवांग को बढ़ाने की कोशिश रोहन कच्छप के पास बॉल लेफ्ट फुटर का इस्तेमाल बॉल को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर लक्ष्मीकांत महतो के लिए अच्छा छोटी को अच्छा पास अपनी छत में खेलते हुए बॉल को बढ़ा दिया है रोहन के लिए रोहन डायलर पास बढ़ाने के लिए लेकिन कौशिक शाह बॉल को लेकर निकल पड़े मुत्ते जी के साथ और जब भी लेखना लेके बढ़ना चाहते हैं डेविड की बात हम करें या कौशिक शाह की बात करें जो फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं कोलकाता के लेकिन दीवार को भेदना इतना मुश्किल नहीं है जो समस्तीपुर इस सेंट्रल रेलवे की जो दीवार है बहुत मजबूत दीवार है उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं। थ्रोइंग शानू के पास बॉल लंबा किक हालांकि अभी भी काफी समय है लोग चल रही है मैदान को दर्शकों ने बहुत बेहतरीन आयोजकों ने सजाया है और एक यहाँ पे फिर कतरा बनता हुआ लेकिन सुंदर हेडिंग से बॉल को बाहर निकाला तपन दास ने रेड फ्लैग में पास कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं गेंद नीतीश कुमार के लिए बॉल को बढ़ा दिया लेकिन गलत पास दे बैठे शानू के लिए धीरे धीरे बॉल को निकालने की कोशिश मध्य रेखा से क्रॉस करने की कोशिश बाइट फ्लाइंग में बॉल को भेजने की कोशिश गोलकीपर एडवांस वहां रविकांत ने बॉल को किया रविकांत ने बॉल को कलेक्ट किया लंबी किक मध्य रेखा के पास रोहित त्रिका के पास बॉल जिन्होंने पहला गोल किया था बॉल को बढ़ा दिया रोहन कच्छप के लिए रोहन कच्छप ने बॉल राइट फ्लैंग में बॉल को बढ़ाने की कोशिश की गेंद का अंदर काफी गति थी गेंद गई बाहर यहां पर के लिए और बहुत दूर से लगा है कि गेंद फिरा गई अंकित कुजूर के हाथों में मध्य रेखा के पास खेल चलता हुआ दाई फ्लैंग में बनने की कोशिश राइट फ्लैंग से इस वक्त हमला पलटता हुआ यहाँ पर मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता की तरफ से अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश अंकित टप्पो के लिए लेकिन आगे निकल गया इस वक्त पवन नायक के पास बॉल पवन नायक के बॉल को लेफ्ट फुट में बढ़ाया लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी गेंद गई गोलकीपर अंकित गेंद एक बार फिर अंकित टप्पो के पास जूझ रहे उनसे जबकि छोटू सफलता मिली यहाँ पर अंकित टप्पो को लेकिन अंकित टप्पो उसके नियंत्रण नहीं रख पाए गेंद एक बार चली आई इस बार पवन नायक उस बाबा के पास
बाबा ने बहुत आराम से बॉल को भेज दिया है बिमल के लिए, बिमल ने पीछे भेजा रंजीत कर मंजीत करवाली के लिए, मजबूत सेंटर किया लेकिन गेम यहाँ पर शंकर हुआ के हाथों से पहले का खेल चल रहा है। मंजीत करमाली का थ्रो, एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ इस वक्त कौशिक शाह के लिए कलगड़ा, लेकिन वहाँ मंजीत करमाली लंबे कदे खिलाड़ी बॉल को बाहर किया शंकर उराव के लिए, पीछे वहाँ पे डिफेंडर थे प्रकाश मुंडा ने बॉल को बाहर किया। कीपर ने जाने दिया वहाँ पे शंकर उराव के लिए, बॉल को भेजा है, एक मौका यहाँ पर मिल सकता है लेकिन गोलकीपर एडवांस वहाँ पे अंकित कुजू ने बॉल को कल जीत करने वाली का गेंद को संभाल लिया। इस वक्त गेंद चल जाइए अंकित टॉप टप्पो के पास, अंकित टप्पो पीछे सरका दिया, अच्छा पास, गेंद चले आइए शानू के पास, शानू मॉडर्न एथलेटिक क्लब के खिलाड़ी और बेहतरीन टैकलमेंट बाघा ने बॉल को बढ़ा दिया वहां पे पवन नायक के लिए, पवन नायक एक बार फिर बाघा ने फिर पवन नायक के लिए बॉल को बढ़ाया है, पवन नायक धीरे धीरे इस वक्त शंकर वहां के पास बॉल और यहाँ पे बेहतरीन किक लगाया था पवन नायक के पास बॉल, पवन नायक ने बढ़ाया था बागम के, बागम ने बॉल को बढ़ा दिया है वहां पर बिमल के दाएं तरफ पे यहाँ पर, और एक बार फिर यहाँ पे इन करने की कोशिश रोहन कच्छप के पास बॉल, छोटू के लिए बॉल को बढ़ा दिया है लेकिन गलत पास, डेविड बॉल के पीछे काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर फॉरेनर खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी डेविड पर, यहाँ पे रविकांत के हाथों में बॉल, अच्छा पास यहाँ पर शंकर उड़ान के लिए, शंकर उड़ान ने बॉल को बढ़ाया बाबा के लिए लेकिन रैक फुटर का इस्तेमाल बहुत दूर से यहाँ पर, मैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम और यहाँ पर रोहित तिग्गा के द्वारा डाले गए गोल के बदौलत ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। मध्यांतर का समय लगभग होने को है, अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त मोहम्मदन एथलेटिक की टीम डेविड इस वक्त बॉल के लेके कलेक्ट करने की कोशिश सबके शुमार उनके पीछे भाग रहे हैं, पीछे से आए समस्तीपुर के खिलाड़ी हसन के पास बॉल, डेविड के पास बॉल, लंबे कद के खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी फॉरनर साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को भेजा है, बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे हमला बनाते हुए अंकित टोपो और क्लब कोलकाता को उचित गेंद हेड यहाँ पर, और यहाँ पर बेहतरीन बचाव रोहन कच्छप ने बेहतरीन बचाव किया और एक और यहाँ पर खतरे की घंटी बजी थी, एक यहाँ पर पूरी प्रयास कर रही है और यहाँ पर आत्म हुआ खेल के निर्णायक फरीद खान ने लंबी सीटी बजाकर यहाँ पर आधे समय की घोषणा की और आधे समय तक मैं बता दूं यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर की टीम मोहम्मदन एथलेटिक क्लब से शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे है। मैं शमीम आलम आपसे विदा चाहता हूँ ये बताते हुए कि जब दूसरे हाफ में जब खेल शुरू होगा मैं आपके समझ फिर आऊंगा, तब तक और ये निकलना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से खेल रही समस्तीपुर की टीम उनके फॉरवर्ड के खिलाड़ी जिस तरह से बागम खेल रहे हैं, जिस तरह पवन नायक खेल रहे हैं, ये काबिले तारीफ लेट फुटे इस्तेमाल और गेंद टकरा के चली आई यहाँ पर, बेहतरीन कोशिश, अच्छा कोशिश किया था एक यहाँ पर बेहतरीन मौका और यहाँ पर अंकित टप्पो बॉल को बढ़ा दिया है तन्मय दास के लिए, तन्मय दास राइट आउट के बाहर चाहते थे, कोई खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं और रोहित का इस वक्त कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए और गेंद गई बाहर, इस वक्त क्लब कोलकाता वेस्ट बंगाल के गोलकीपर
बेहतरीन पास, डायगनल पास इस वक्त राजीव मुनका के लिए। राजीव मुनका ने बॉल को बढ़ा दिया है तन्मय दास के लिए, तन्मय दास ने फिर राजीव मुनका के लिए बॉल बढ़ाया है। इस वक्त डेविड के लिए बॉल बढ़ाया है, डेविड बॉल को लेकर आगे निकलने की कोशिश, लेकिन वहां उलझ गए खिलाड़ी जो थे रक्षक बंत के खिलाड़ी, बॉल को रोका उन्होंने। और यहाँ पर इनके बॉल्स को रोका वहां पर, फिर यहाँ पर तन्मय दास ने लेफ्ट फुटर का स्टेप, मोहम्मद के पास बॉल लेकिन गेंद उनसे निकली, गेंद चले गई वहां पर गोलकीपर अंकित कुजूर के पास। राजी अरे भाई, भाई। बाबा छोड़ दिया मंजित करवारी के लिए, एक और किक, और यहाँ पर ऑफसाइड का किक, ऑफसाइड पकड़े गए वहां पर बागम, ऑफसाइड पकड़े गए, गोल पोस्ट के अंदर थे। तन्मय दास अभी भी बोल राजी मुनुआ के लिए, राजी के पास रोहित टीका के लिए, रोहित टीका जिन्होंने बॉल को पहला गोल किया था, रोहित टीका, रोहित टीका ने फिर बॉल को बढ़ाया, पीछे सरकाया, अच्छा पास वहां पर, अच्छा टेकलमेंट मोहम्मद ने टिकला, लेकिन गेंद एक बार फिर छिन गई दाएं तरफ से, फिर काउंटर अटैक, बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहां पर एक मौका, लेकिन दाएं ऊंची उठती हुई गेंद, शंकर उड़ाओ लंबे कद के खिलाड़ी शंकर उड़ाओ अच्छा ड्रिल भी करते हैं, पीछे सरका दिया रोहन के लिए, रोहन ने बॉल को बढ़ाया है, अच्छा बात दाएं फ्लिंग में, और बेहतरीन, लेकिन बाबा बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश में वहां पे जाने दिया, वहां पर एक गोल की बढ़त दिला दी, ये अभी भी काम है। गेंद इस वक्त रोहित टीका के पास, बॉल बहुत तेज तर्रार फॉरवर्ड है रोहित टीका, एक मौका यहाँ पर कोलकाता के लिए, बेहतरीन मौका है यहाँ पर, अभी भी गोल एरिया के ऊपर खेल चलता हुआ, समस्तीपुर के गोल एरिया के ऊपर खेल चल रहा है इस वक्त, लेकिन और ये मौका हाथ से जाता रहा। पवन नायक के पास बॉल और अब काउंटर अटैक, रोहित टीका के पास बॉल, एक खिलाड़ी को डील करते हुए बॉल को बढ़ा दिया बागम के लिए, बागम बहुत सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, और यहाँ पर एक परिवर्तन हो रहा है, कोलकाता की तरफ से तपन दास इस वक्त मैदान के अंदर जाएंगे, जबकि कौशिक शाह को मैदान से बाहर बुलाया गया, एक परिवर्तन हुआ है यहाँ पर कोलकाता की तरफ से, तपन दास मैदान के अंदर जा रहे हैं जबकि कौशिक शाह को मैदान से वापिस बुलाया गया कोलकाता के कोई तरफ से, और यहाँ पर ये मौका हाथ से जाता रहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। शंकर उड़ाओ इस वक्त बॉल लेके निकल रहे थे, और यहाँ पर कोलकाता के खिलाड़ी को शानू को रेफरी ने ग्रीन कार्ड दिखलाया है, खेल के निर्णायक मोहम्मद फरीद खान ने, जिस तरह से बाधा पहुंचाया गया समस्तीपुर के खिलाड़ी को, खेल के निर्णायक मोहम्मद फरीद खान ने उन्हें ग्रीन कार्ड दिखलाया, जैसी नंबर दो शानू को कोलकाता के। जो कि मैदान में पड़े हुए हैं और दर्शकों की थोड़ी सी शोरगुल, क्योंकि दर्शक भी समझते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है ये समय इस मैच का, मोहम्मदन एथलेटिक्स क्लब वेस्ट बंगाल के लिए एक गोल की सख्त जरूरत है। सुनो अमित, इधर ले दर्शक की तरफ, लेको इधर लो, हम बताते हैं, और आप देख सकते हैं इस वक्त दर्शकों की अपार भीड़, दर्शक इस क्वार्टर फाइनल को देखने के लिए आए हैं जो चल रहा है इस वक्त मोहम्मदन एथलेटिक क्लब कोलकाता और समस्तीपुर के बीच, बहुत ही संख्या में दर्शक। तन्मय दास के पास बॉल, कोलकाता को रोकने के लिए, और ये गेंद गई बाहर ऊपर निकल गई, गोल बार के ऊपर निकल गई,
लेकिन क्रॉस बार के ऊपर से गेंद निकली और उम्मीदें भी से अभी भी आगे है और बढ़त इस वक्त बरकरार है। खरों की छतों पर बैठ करके दर्शक इस खेल का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ इस मैदान के जितने भी घर है, बिल्डिंग है, उसे छत पर बैठकर दर्शक इस खेल का आनंद ले रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक आए हैं। कितनी दर्शकों की संख्या आप देख सकते हैं, छतों के ऊपर बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक आए हैं। पवन के पास बॉल, बाबा के पास बॉल, तवांग बॉल के पीछे भाग रहे थे, बॉल को पीछे, बेहतरीन मौका यहाँ पर कलकड़ा के लिए, बॉल को बाहर, कोशिश और गोलकीपर की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, रवि कांत की, दो अटेम्प्ट लिया, अंकित टप्पो के लिए बॉल बढ़ाया लेकिन गेंद काफी दूर मार गए, लट्ठू टका बैक दहली दौड़ी की कोशिश, रोहितिका के पास बॉल दूर मार गए, जो खतरा बन सकता था फिलहाल टला कलगड़ा। ईशान खालसा ने बॉल को दिया है राजीव के लिए जो कप्तान है, राजीव साथी देखते हुए साथी खिलाड़ी की तलाश, बेहतरीन पास बढ़ाया है अपने साथी खिलाड़ी को, गेंद एक बार फिर यहाँ पे राजीव के पास, कप्तान कलकड़ा, गेंद निकल गई, गेंद अब चिल्लाई है यहाँ पर रोहित, राजू के पास बॉल, कप्तान मद्रेखा से घुसना जा रहे हैं, वो समस्तीपुर के क्षेत्र में, गेंद बाहर गई, थ्रोइंग ऊंची उड़ती हुई गेंद अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त, अब पवन नायक बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल को पीछे छोड़ दिया, साथी खिलाड़ी की तलाश, रोहन कच्छप, गेंद एक बार फिर पवन नायक के पास, उस बाबा के पास, बाबा खिलाड़ी को डिव करते हुए पीछे सरका दिया, शंकर उराव के लिए, शंकर उराव ने लंबी किक लगाई, गेंद सीधा गोलकीपर अंकित कुलूर के हाथों में, तो तालमेल से खेलने की कोशिश जरूर कर रही है, और यहाँ पर रोहितिका को कुछ छोटा ही यहाँ पर गिर पड़े हैं मैदान के अंदर, मध्यांतर के बाद काफी लंबे समय का खेल हो चुका है, स्थिति अभी भी इस सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर ने अपने पक्ष में करके रखा है, लंबी किक मंजीत करमाली का एक मौका, चूक गए बाघम, बहुत बेहतरीन किक लगाया था बाघम ने, दिशा लेकिन थोड़ा सा फटके दिशा से बाघम, और कॉर्नर किक, रोहन कच्छप इस वक्त कॉर्नर किक लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, रोहन कच्छप एक बार फिर खतरे का बादल मंडराता हुआ यहां पर, मॉडर्न एथलेटिक क्लब कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए, गेंद एक बार फिर रोहन के पास, और ये गिर चुके हैं क्योंकि लगातार आक्रमण कर रही गेंद इस वक्त पवन नायक उर्फ बाबा के पास, सेंटर करने के लिए चाह रहे थे लेकिन अंकित टप्पो ने वहां पर, शानू के पास बॉल, बेहतरीन नियंत्रण, रोहन कच्छप बॉल को बढ़ा दिया पवन नायक के लिए, पवन नायक बॉल को बढ़ा रहे थे वहां पर बाघम के लिए, और बाघम ने सीधा गोलकीपर को मारा, अंकित कुजूर के हाथों में बॉल मार गए, बॉल मिल गया है जिन्होंने गोल किया था, रोहितिका ने बाघम को दिया गया एक बार फिर, रोहितिका के पास बॉल, बेहतरीन मौका इस वक्त, और बाघम ने लेग थ्रो का इस्तेमाल किया,
और छोटू ने यहाँ पे किक किया, लेकिन समस्तीपुर की टीम यहाँ पर एक बॉल, एक और मौका, और ये यहाँ पर दूसरा मौका जाता रहा, बेहतरीन मौका गवाती हुई। पहला रोहित ने गवाया, दूसरा बाघम ने गवाया, रोहित दूसरा बाघम ने मौके को गवाया, हड़बड़ाहट में बॉल को बाहर मारे। पवन नायक उस बाबा के पास बॉल, सभी खिलाड़ी की तलाश, बाबा ने पीछे छोड़ दिया वहां पर छोटू के लिए, छोटू ने फिर बाबा के लिए बॉल को बढ़ाया, बाबा बेहतरीन नियंत्रण है बॉल के ऊपर, बाबा का बॉल को बढ़ा दिया राहुल के लिए, राहुल इस समय बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, खतरा बनता हुआ शंकर उड़ाव के लिए बॉल को बढ़ाया, इस वक्त बाइंग फ्लैंग में गेंद गई बाहर, शंकर उड़ाव ब्लॉक किया, गोलकीपर को अंकित के पास बॉल, इस वक्त मॉडर्न एथलेटिक क्लब कोलकाता डेविड बॉल के लेने की कोशिश, लेकिन गोलकीपर वहां पर एडवांस, रवि कांत नियंत्रण किए हुए बॉल को कलेक्ट किया, अच्छा शंकर रोहन के लिए बॉल को बढ़ गया, शंकर रोहन ने पीछे सरकाया वहां पर, रोहन कच्छप के लिए, रोहन ने बॉल को बढ़ा दिया वहां पर नीतीश कुमार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने गलत निशाना साधा, गेंद एक बार फिर यहाँ मंजीत करमाली के पास, मजबूत डिफेंडर समस्तीपुर के, समांतर पास समस्तीपुर की तरफ से, बिल्कुल ना को चने चबा के रख दिया है इंटर के बॉल को, लेकिन सीधा गोलकीपर अंकित के हाथों में, तेज खेल और हाथ से गेंद टकराई, फुटबॉल क्लब कलकत्ता लंबी किक, निशाना बहुत गलत साधा गोल पर यहाँ पर, और गोलकीपर ने बेहतरीन बचाव किया, अंकित को जोड़ कर बेहतरीन बचाव, बेहतरीन रोहित के लिए खतरा फिर बन सकता, पवन नायक के लिए बॉल को बढ़ाया गया, लेकिन डिफेंडर उतना ही मजबूत बॉल को बाहर किया, मोहम्मद एथलेटिक क्लब कोलकाता की टीम ने, अंकित टोपो के लिए, अंकित टोपो इस वक्त बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कोलकाता की तरफ से, बाय फ्लाइंग से लेफ्ट आउट के खिलाड़ी अंकित टोपो, एक माइनस किया वहां पे, एक मौका मिलता हुआ इस वक्त, गोलकीपर का बेहतरीन बचाव, और यहाँ पर खतरनाक हमला बोला है मोहम्मद एथलेटिक क्लब को लड़ा रहे हैं, पवन नायक के पास, बाबा के पास बॉल, अंकित टोपो छोड़ दिया बॉल को, राजीव मुर्मा के लिए कप्तान के लिए, लेकिन पीछे से दौड़ते हुए आए मंजीत करवाली ने बॉल को क्लियर कर दिया, तमाम गोल पीछे भा रहे हैं बॉल के पीछे वहां पर कलकत्ता के, थ्रोइंग गेंद एक बार फिर तमांग के पास, सीधा समांतर पास, डेविड के पास बॉल, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, लेकिन वहां नीतीश कुमार बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह खड़े हो गए, और उस यहां पर कोहना के ऊपर गोलकीपर ने कब्जे में किया, तमांग के पास बॉल को रोल कर दिया बाई फ्लैंक से, खेल अपने अंतिम चरण में पड़े, और जो चल रहा है मध्यांतर के बाद काफी लंबे समय का खेल हुआ, और अभी अभी एक पेनल्टी किक जो मिला उसको गोल में तब्दील करके मोहम्मदन एथलेटिक क्लब 1-1 की स्थिति, यहां पर मोहम्मदन एथलेटिक क्लब लंबी ऊंची उठती हुई गेंद, बाघम का हेड, डेविड के माथे के ऊपर से गेंद निकली, डेविड के पास बॉल, अच्छा बॉल को बढ़ाया वहां पर, बेहतरीन पास शेख नूरुद्दीन के लिए, कोलकाता शेख नूरुद्दीन से लंबी किक, और अभी भी खतरा टला नहीं है यहां पर समस्तीपुर के ऊपर से, और पहला पेनल्टी किक लेते हुए गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, शॉट सीधी थी, पहला किक
और ये गोल शॉट लेने के लिए जर्सी नंबर 10 सारी दर्शकों की निगाह इस वक्त गोल पोस्ट को निहारती हुई यहाँ पर इरबा में बेहतरीन गोल सुंदर गोल बताया खूबसूरत गोल ये दूसरा पेनल्टी किक लेते हुए तमाश खान रविकांत की अग्नि परीक्षा यहाँ पर गोल राहुल कुमार राहुल नाम तो सुनाई होगा इन्होंने अपना काम भी कर दिया है आप भी लड़के ने तेज होती हुई और ये बचा लिया और ये कलकत्ता के गोलकीपर ने बचाया अंकित ने ये सेव को बचा लिया देखना इस बॉल को शेप कर पाते हैं या नहीं आप बेहतरीन गोल ये देखिए रोहन का ये गोल बेहतरीन गोल और ये बाहर मार गई और ये अच्छा बचाव बेहतरीन बचाव अजबूत इनक्रेडिबल बचाव गोलकीपर सामने रेमन लकड़ा गोलकीपर और ये बर्बाद किया और ये नहीं मार समस्तीपुर की तरफ से पवन नायक उर्फ बाबा सडन डेथ का पहला किक आइए गोल बेहतरीन गोल चलेगा पवन तो रोकेगा कौन इस बार की तरफ से तन्मय दास सामने रेमन लकड़ा गोलकीपर और ये हुई गेंद ये शॉट उम्मीदों को मार इस सेंटर रेलवे समस्तीपुर बिहार की तरफ से आइए गोल ये शॉट इस गोलकीपर और ये गोल ये बेक और ये बाहर मार गए और ये गए जीत गई यहाँ से मोहम्मदन एथलेटिक क्लब जीत गई मैच को और अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है जी हाँ कुछ दर्शक तो काउंटिंग करना भी भूल सडन डेथ सांसें रोक देने वाली सडन डेथ सामने है रेमन लकड़ा और ये बाहर मार गए ये भी बाहर मार गए वहां पर लक्ष्मीकांत महतो की अंकित और ये गोल बहुत ही शानदार ये पर यहां पर इस सेंटर रेलवे समस्तीपुर बिहार के रेमन और बचा लिया और ये जीत गए यहां पर समस्तीपुर नमस्कार इस समय हम इरबा के फुटबॉल मैदान में हैं जहां पर अभी अभी दूसरा क्वार्टर फाइनल खेल खत्म हुआ अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल ऑल इंडिया रनिंग गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हुआ ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर और मॉडर्न एथलेटिक क्लब कोलकाता ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के बीच तो इस समय गोलकीपर अंकित कुजूर हमारे साथ हैं अंकित कुजूर ने बेहतरीन गोलकीपिंग की ये बात अलग है कि उनकी टीम आज पेनाल्टी टाई ब्रेकर में नहीं बल्कि सडन डेथ में उनका हार का सामना करना पड़ा अंकित कुजूर सबसे पहले बताएं हम अपने गोलकीपिंग फुटबॉल के अंदर चुना और कब से खेलना आपने शुरू किया फुटबॉल मैं खेल रहा हूँ 2012 से उससे पहले मैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का भी नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ तो फुटबॉल के कोच थे गुमला में रिजवान अली तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ बॉल अच्छा पकड़ सकता हूँ तो वो मेरे पास आए और मेरे से पूछे क्या तुम गोलकीपिंग खेलोगे तो मैंने बोला कि ठीक है मैं गोलकीपिंग करूँगा तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया और 2012 से मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया फुटबॉल में अभी तक कहाँ कहाँ खेलने का मौका मिला ऑल ओवर इंडिया में सब जगह खेल चुका हूँ स्टेट लेवल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल अंडर 17 नेशनल 19 नेशनल अंडर 21 सीनियर नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सीनियर वो हर चीज़ खेल चुका हूँ शेख रिजवान अली जो है वो गुमला के जो कोच है वो संत इग्निशियस स्कूल गुमला में बच्चों को कोचिंग करते हैं बोर्डिंग स्कूल में तो वहाँ से आप कितने दिनों तक वहाँ शेख रिजवान अली के अंदर आपने ट्रेनिंग किया रिजवान अली के अंडर में मैं 4 साल था वहाँ पे 4 साल था 2015 में मैं फिर रांची आ गया उसके बाद फिर रांची आने के बाद फिर मेकॉन ज्वाइन किया मेकॉन के लिए खेला 2021 तक उसके बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया वहाँ मुमड़ा ने से ज्वाइन किया वहाँ पे तो यहाँ से रांची से कलकत्ता का जो सफ़र हुआ किस वर्ष आपकी ज्वाइन किया कलकत्ता में मुमड़ा ने से मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर और ये 2023
जुलाई अगस्त में मेरा सेशन ख़त्म होगा, फिर वहाँ से फिर मुझे न्यू क्लब मिलेगा, तो फिर वहाँ से फिर न्यू क्लब ज्वाइन करूँगा मैं। तो कलकत्ता में कहाँ पे खेलने को मौका मिला, कलकत्ता ग्राउंड में? कोलकाता में हर जगह जितने भी इंटरनेशनल्स ग्राउंड है वहाँ पे, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहन बगान, हर ग्राउंड में खेल चुका वहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि ये जो सफ़र है, ये कारवां जो चल रहा है तुम्हारा गोल कीपिंग का, आज तो बिल्कुल खेल अलग बात है कि यहाँ मोहम्मदन एथलेटिक क्लब हार गई, लेकिन ये तो सडन डेथ में हार हुआ, इसके बाद तो चला गया किस्मत में खेल, लेकिन जो बचाव किया तुमने काबिल तारीफ। और उम्मीद करते हैं कि ये गोल कीपिंग का जो सफ़र है एक्सेलेंट इनक्रेडिबल, जो आपने गोल बचाया आज अपनी टीम के लिए, प्रशंसनीय है, और बहुत दिनों तक ये इरबा ग्राउंड में उस गोलकीपिंग को याद रखा जाएगा, और ये सफ़र और आगे जारी रहे और सफल तक यार आगे तुम्हें मौका मिले, और उम्मीद करते हैं कि ये सफलता और बहुत दूर तक जाए और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जरूर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ, और मेरे से जो जूनियर्स बच्चे हैं वो भी मुझे देख करके प्रोत्साहित हो और आगे खेलने का कोशिश करें, मैं यही चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। थैंक यू सर।